महुआ मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने रविवार को मंडी का निरीक्षण किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दुकान खुलने के समय दुकानदारों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने तथा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने संबंधित जानकारी हासिल की गई तथा सभी आढ़तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और दुकानों को निर्धारित समय से बंद करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए मंडी में समय निर्धारित किया गया है किस समय गल्ले की दुकान खुलेंगी, किस समय सब्जियों की दुकानें खुलेंगी, सब्जी किस समय बिकेंगी। इसके अलावा जो थोक के विक्रेता हैं जिसमें आलू प्याज बेचते हैं तो उनका अलग से समय निर्धारित किया गया है। तो ये समय का जो निर्धारित किया गया है उस रोस्टर का अनुपालन हो रहा है, इसके लिए औचक निरीक्षण किया गया। तो इस क्रम में ये देखा गया कि जो दुकानें हैं वो सही समय खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। उसके अलावा यह देखा गया कि हर दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। दुकानों पर जो कर्मी काम करते हैं उनको मास्क को पहने हुए नहीं पहने हुए हैं, दुकान का जो मालिक है वो सैनिटाइज़र रखा है नहीं रखा है। इसके अलावा जो भी बाहर से गाड़ियाँ आती हैं हर दुकानों पर, उसमें हर जो बाहर से आने वाला ड्राइवर क्लीनर है उसकी थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही नहीं कराई जा रही है। इसके पूर्व भी मंडी में हम लोगों ने एक व्यवस्था लागू की थी कि हर एक आढ़ती जो है अपनी दुकान के बाहर एक रजिस्टर रखेगा और रजिस्टर में हर एक उस दुकान से संबंधित जो कर्मी होगा उसका नाम होगा। इसके अलावा हर एक हफ्ते पर उसकी स्कैनिंग होगी और स्कैनिंग में उसका क्या रिजल्ट निकला है वो उस पर लिखा रहेगा। तो इस रजिस्टर का भी औचक निरीक्षण किया गया। तो यह सब देखा गया कि जो जो उनको डायरेक्शन दिए गए उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस संबंध में और भी उनको बताया गया किस तरह से वो और इसको बेहतर कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा इसमें ये फोकस रहता है कि वहाँ पर मंडी में भीड़ बहुत ही कम संख्या में एकत्रित हो, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसका पूरा पालन हो। तो ये सब बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया।